हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने लुकर स्टूडियो मतलब डेटा स्टूडियो पे अगर आपने कोई डैशबोर्ड बनाया है तो आप उसको डेली बेसिस पे कैसे ईमेल ईमेल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ईमेल होगा, आपको कहीं भी मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ सेटिंग करनी होती है और ये वाला पूरा का पूरा रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे इस टाइप का जो भी आपने रिपोर्ट बनाई होगी वो डायरेक्ट ईमेल पे शेड्यूल हो जाएगा। मतलब ईमेल पे डायरेक्टली ऑटोमेटिक भेजता रहेगा जो भी आप शेड्यूल करेंगे, जिस तरीके का शेड्यूलिंग करेंगे, जैसे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या कोई स्पेशल डे पे। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको, ये डैशबोर्ड है, अब इसको ईमेल कैसे करेंगे। तो आप अभी तो फिलहाल में इसमें अब एडिट मोड में गए हम, यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है। अब चलते हैं यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे शेड्यूल ईमेल डिलीवरी, अब आपको यहाँ जाना है, इस पे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे टू में आ गया है। अगर टू में आपको कोई और ऐड नाम ऐड करना है, जैसे मैं एक ईमेल आईडी ऐड कर दूँ ये वाला, ठीक है, और भी कोई और भी आप ऐड करना चाहें, जिसको भी आप भेजना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और मैसेज है, देखिए यहाँ पे कस्टमाइज भी आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए आप इसमें दिस इज सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट लाइन में डाल दिया आपने, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया आपने दिस इज टेस्टिंग ईमेल, ठीक है, डेली बेसिस पे है ये, ठीक है। जो भी आप बॉडी मैसेज बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, यहाँ पे रमेश, बाकी और भी जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है आप डाल सकते हैं मैसेज के अंदर, ठीक है। अब जो है इसके बाद आता है स्टार्ट टाइम और स्टार्ट मतलब डेट और टाइम, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें देखना, आप देख सकते हैं कि डेली है, वीकली ऑन वेडनेसडे है, मंथली ऑन द सेकंड वेडनेसडे, एवरी वीक डे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और कस्टम अगर कोई डालना चाहते हैं डेट, कस्टम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई सा भी पर्टिकुलर डेट डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं अगर डेली करता हूँ तो डेली जैसे है स्टार्ट टाइम हो गया। अब ये डेली जैसे आज तो 12 तारीख है, 12 तारीख अगले अगले को ही जाएगा 12 तारीख को। तो यहाँ पे आप टाइम चेंज कर सकते हैं कि कितने बजे आपको भेजना है। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 बजे भेजना है ईमेल, ठीक है। अब इसको शेड्यूल करेंगे, जैसे मैं इसको शेड्यूल कर देता हूँ, तो ये मेरे को अर्ली मतलब सुबह, कल सुबह 10 बजे और फिर नेक्स्ट परसों भी 10 बजे, ऐसे ही करके पर डे आपको 10 बजे एक ईमेल सेंड कर देगा। इसकी पूरी रिपोर्ट जितनी ये है इस तरीके की रिपोर्ट भेजता है और भेजता रहेगा। जी, ये बिल्कुल एक टेबल बना के पीडीएफ बना के भेज देगा आपको कि ये है आपका करंट लोकेशन मतलब करंट रिपोर्ट का स्टेटस है, ठीक है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा ईमेल कैसे शेड्यूल करेंगे हम लुकर स्टूडियो या डेटो स्टूडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।